खबर सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली शराब तस्करी एवं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सरकार के नशा मुक्ति अभियान के तहत सिंगरौली आबकारी पुलिस ने 34-1 और 34-2 की कार्रवाई करते हुए 65 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 8 पेटी विदेशी मदिरा शराब जब्त की गई है। हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई कि आखिरकार 65 वर्षीय बुजुर्ग की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इस उम्र में वो शराब की तस्करी करने लगा। वहीं मामला सामने निकल कर आया कि अभी हाल में ही आबकारी नीति के तहत 31 दिसंबर में शराब का ठेका खत्म हो गया और जिले में नए ठेकेदार शराब का ठेका चलाने के लिए नए ठेकेदारों को ठेका मिल गया, जो कि पुराने शराब ठेकेदारों के पास जो स्टॉक बचा हुआ था उन्होंने कम रेट पर लोगों को बेचा। ऐसे ही जब 65 वर्षीय बुजुर्ग को इसकी जानकारी मिली कि शराब काफी सस्ती है, तो बुजुर्ग ने लालच में आकर शराब की तस्करी करना चालू कर दिया। पिछले 3 महीनों से लगातार शराब की तस्करी ये बुजुर्ग कर रहे थे। इस मामले पर यह बात निकलकर सामने आई कि 65 वर्षीय बुजुर्ग इस उम्र पर कोई और काम कर नहीं सकता, तो दुकान में बैठकर शराब ही बेचने लगा। आरोपी सस्ते दामों में काफी मात्रा में शराब खरीद कर एकत्रित किया था और अब उसे महंगे दामों पर लोगों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा था। आबकारी पुलिस को इसके बारे में मुखबिर से सूचना लगातार मिल रही थी, जहां सरई तहसील के महुआ गांव हरदी में बुजुर्ग शराब की तस्करी कर रहा था, जिसे देर रात पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपी का मेडिकल कराकर उसे जेल भेज दिया गया है। इस पूरी घटना के मामले में बताया गया कि आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है और सूचना मिलने पर दबिश देकर कार्रवाई लगातार की जा रही है।